बागपत में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन दहेज न मिलने पर उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया और दूसरा निकाह कर लिया। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो वहां भी उससे बदतमीजी की गई। थाने से मिले दुत्कार के बाद पीड़िता जिलाधिकारी से मिली। जिलाधिकारी ने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। तीन तलाक का मामला सामने है, क्या मामला? अभी जनता दर्शन में एक महिला आई और उन्होंने अवगत कराया कि उनके साथ उनके शौहर ने तीन तलाक की घटना की है। तो अभी जैसे ही प्रार्थना पत्र उनका प्राप्त हुआ है तो हम लोग उस पहले उसको दिखवाएंगे और प्रयास करेंगे महिला थाना और जो हमारे पास फैमिली जो डिस्प्यूट देखते हैं उनके माध्यम से क्या उस पर कार्रवाई की जा सकती है, और उसके बाद अगर कोई अन्यथा स्थिति बनती है तो जो भी विधिक प्रक्रिया हमारे पास उपलब्ध है उससे हम उनकी मदद करेंगे। तमाम अधिकारियों के पास भी शिकायत कर चुके और आत्मदाह की चेतावना दी गई। देखिए, तमाम अधिकारियों की बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इनका मामला आज यहाँ पे अभी पहली बार आया है। और पीड़िता गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और इसकी शादी 2013 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ना मिल रही थी। बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।